सबसे पहली बात तो इसके साथ खड़ा होना बेकार है, ऐसा फील होता है जैसे खंबे के साथ खड़ा है बंदा, इतना ऊंचे मुंह की तरफ इसके देखना पड़ता है। ले 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 ले। पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ और पीछे का साउंड तेज है। तो अभी हम खड़े हैं कैंडोलिम बीच पे। कैंडोलिम बीच पे मैं वही दिखाने के लिए आई थी आपको कि देखो जब हम पहले आए थे तो इधर सब जगह शेक थे दोनों तरफ, अभी सारे शेक यहाँ से हट चुके हैं। तो अगर आप ये सोच के गोवा आ रहे हो कि भाई आप आओगे बीच शेक पे बैठ के एंजॉय करोगे, तो ये सोच के मत आओ, ऑफ सीज़न में ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाती हैं मानसून में। और ये हम जा रहे हैं कैंडोलिम बीच की तरफ, तो जो मेन बीच रोड है उस पर हम पहुँच गए। थोड़ा थोड़ा जाम भी मिल रहा है इस पे, मार्केट तो ऑलमोस्ट बंद से है, सब शटर डाउन है। हाँ, ज्यादातर चीजों के शटर डाउन है। हाँ, ये देखो सब ऑलमोस्ट बंद है, कुछ कुछ मेन चीजें खुली हैं, जैसे हाँ, एक दो रेस्टोरेंट वगैरह खुले हैं, एक दो रेस्टोरेंट खुले हैं, वैसा मार्केट बंद है जो मतलब होता है हैपनिंग, वो नहीं है। तो जैसा कि हम लोग हैं कैंडोलिम पे, कैंडोलिम पे यूजुअली चीजें बंद हैं ज्यादातर, और जैसे जो शॉप्स होती थी वो सब बंद हैं, एक दो खुली हैं बीच में। रहने और खाने की अगर मैं बात करूँ तो रेस्टोरेंट्स 50% ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हैं। और ये जैसे हम मेन रोड से निकल रहे हैं, तो मेन रोड पे अगर मैं बात करूँ तो रेस्टोरेंट्स इधर भी कुछ कुछ बंद हो गए हैं, जो बड़े बड़े दो चार हैं वो खुले हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको खाने को कुछ मिलेगा नहीं अगर आप इधर आ रहे हो, जैसा अपना अगोंडा पे या साउथ गोवा में चीज़ें कम खुली हैं, इधर चीज़ें कंपैरेटिवली ज़्यादा खुली हैं। हाँ। और खाना तो आपको इधर टेंशन नहीं है इतनी। और अगर मैं ये कैंडोलिम की बात करूँ ना, तो कैंडोलिम आप जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं वर्केशन के लिए कैसा है, तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से वर्केशन के लिए कैंडोलिम है, क्योंकि कैंडोलिम बहुत शांत रहता है कंपेरेटिवली। जैसे अगर आप कंपेयर करोगे कालंगुट से, बागा से, तो उसके मुकाबले शांत है। तो वर्केशन के लिए क्या चाहिए आपको, पीस ही चाहिए ऑब्वियसली। और जब नॉर्थ गोवा की बात आती है ना, तो बात आती है भाई क्लब्स वगैरह खुले हैं कि नहीं खुले, पब्स वगैरह पार्टीज चालू हैं कि नहीं है, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी इस व्लॉग में दिखा पाऊँ अगर आपको उतना लंबा नहीं हुआ, नहीं तो मैं एक और व्लॉग बनाऊँगी उसके लिए, बिकॉज वो भी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है इसमें। और खाने की अगर जैसे इधर बात करें तो हर टाइप का क्यूजीन आपको मिल जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोवन मिलेगा, गोवन साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन सब कुछ, वेज नॉन वेज सब मिलता है इधर। कालंगुट पे थोड़ा सा आप सी एंजॉय कर सकते हो, मतलब बीच साइड बैठ के अगर आप कुछ खाना पीना चाह रहे हो तो खा सकते हो। जैसे पहले क्या था, शेक थे यहाँ पे, अभी शेक तो हट गए हैं, बट उन लोगों ने बाहर जस्ट टेबल्स लगाई हुई हैं और वहाँ पे सर्व कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या रहता है, जैसे बारिश आई तो उठा के अंदर डाल दिए टेबल्स वगैरह। मार्केट की बात करूं तो पूरा मार्केट खुला है इधर, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कालंगुट पे खुली हैं। जैसे कि कैंडोलिम का जो मार्केट था वो ऑलमोस्ट बंद था, बट इधर का पूरा खुला है, कुछ मेरे को बंद नज़र आ ही नहीं रहा। और लोग भी इतने हैं काफ़ी, मतलब ऑफ सीज़न जैसा तो देखने से नहीं लग रहा। और ये हम कालंगुट में आगे आ गए हैं सर्कल से, जो बागा वाला सर्कल है उससे आगे, तो यहाँ भी देखो सभी कुछ खुला है खाने का, जो जो भी जैसे सीज़न में खुले रहते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, तो इधर भी खाने पीने की कोई दिक्कत तो होने नहीं वाली। और ये चीज़ देख के तो अच्छा लगा, मतलब ऑफ सीज़न में भी आप बीच के मज़े ले सकते हो, बीच पे आराम से बैठो एंजॉय करो फूड ड्रिंक्स ये सो, ऑफ सीज़न में स्पेशली, क्योंकि ऑफ सीज़न में मैंने और किसी बीच पे नहीं देखा कि टेबल्स वगैरह लगाई जा रही हूँ कालंगुट को छोड़ के। अभी बागा का मुझे पता नहीं है, बाकी कैंडोलिम पे तो है नहीं और बाकी बीचेस पे तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ये अच्छा लगा, मतलब आप फील ले पाते हो एटलीस्ट। और इधर का मार्केट भी पूरा खुला है, मतलब मार्केट ऐसा नहीं है कि बंद है,
तो पूरा मार्केट ओपन है यहाँ पे अभी, मतलब ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे ऑफ सीजन है अभी, ऐसा लग रहा है सीजन आने वाला है। हाँ। जो सीजन आने से पहले वाला क्राउड होता है वो क्राउड अभी यहाँ पे है, अक्टूबर जैसा क्राउड है अप्रोक्सीमेट। हाँ। और स्टे की अगर मैं बात करूँ तो स्टे के इधर ऑप्शन बंद होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इधर तो ज्यादातर पीछे ही होते हैं, बीच पे स्टे तो बहुत कम होते हैं, मतलब इधर के बंद नहीं होते। हाँ, इधर के बंद होते ही नहीं। उसके अगोंडा और पालोलेम के क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बीच हट्स होते हैं, तो यहाँ तो वो सीन है ही नहीं, तो इधर तो रहने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ही नहीं, आप ऑनलाइन कहीं भी सर्च मारो आ जाओ। राइट, तो मेरे हिसाब से ऑफ सीजन के लिए नॉर्थ गोवा से अच्छी जगह नहीं हो सकती। हाँ, ऑफ सीजन में आपको इधर ही ज्यादा मजा आएगा। और ये हम घूम गए हैं टीटोज लेन में, तो टीटोज लेन तो एकदम सुपर्ब हैपनिंग लग रही है। तो क्राउड इधर कंपैरेटिवली कम है, जैसा कि कालंगुट पे था, कालंगुट से कम है क्राउड, बट है, ऐसा नहीं है कि क्राउड नहीं है, बट हाँ खुली सारी चीजें हैं, यूजली बार रेस्टोरेंट सब खुले हैं। क्लब्स वगैरह भी खुले हैं, जैसे ये है द वाइट, तो ये खुला है, कॉम्बो चल रहा है कुछ, कॉम्बो जहाँ ऑफर वगैरह चल रहे हैं उल्टा उस पे अभी फिलहाल, क्योंकि सीजन ऑफ है, सीजन ऑफ में ऑफर्स आपको काफी मिलते हैं इधर। और बाकी टीटोज का आगे मैं देख के बताती हूँ टीटोज खुला है या नहीं है। ओपन है, तो टीटोज भी ओपन है, और तो ये अच्छी चीज़ है, जैसे आप ऑफ सीजन में अगर पार्टी करने के मूड में हो तो यहाँ आ जाओ बेधड़क, और सब खुला है इधर, बार पब्स क्लब्स सब खुले हैं। बाय वन गेट वन फ्री आज की नाइट में, इसमें टीटोज में बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है, अच्छी बात है, ऑफ सीजन में ऑफर चल रहे हैं। बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है, स्मोकी सी, तो चलो कोई नहीं, अभी पहले चलते हैं बीच पे और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या खुला है। ओए यहाँ पे तो शेक भी खुले हैं। हाँ देखो ये शेक खुला है, ये शेक वो पक्का बना हुआ है और पीछे है। राइट राइट, थोड़ा पीछे है और कंक्रीट का है। तो जैसे ये मेरे सामने सेंट एंथनी बार एंड रेस्टोरेंट है, उसके आगे ब्रीटोज है, मतलब सभी खुले हैं यहाँ, और कुछ कुछ ने बाहर टेबल भी लगा रखे हैं। उधर की तरफ छाते वो लगे हैं। हाँ, कई सारों ने लगा रखे हैं ज्यादातर ने, बस डिफरेंस कितना आया है कि सन बेड हटे हैं, बाकी कुछ नहीं हटा यहाँ से, पूरा सब खुला है, तो अच्छा है ये, मतलब ऑफ सीजन में भी एंजॉय कर पा रहे हैं। भी सेम, हाँ वही बज रहा है लाउड म्यूजिक, एग्जैक्टली। और इसके बाद का सीन भी मैं दिखाती हूँ, अभी कुछ होने वाला है धमाकेदार, वो आप देखना मत भूलना। Hehehehe